लाओगे तो उसके बाद आपके 1000 गलन 1 लाख गलन सभी गलन बन सकते हैं, लेकिन अगर सबको बराबर मात्रा में मिक्स करोगे तो हमारा जो आपका नेचुरल कलर है वाह ये कलर से दुनिया में जितने भी कलर होते हैं ना सब उन्हीं कलर से बनते हैं। अरे लिख के बताओ ब्लू लिख के ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तीन हमारे प्राइमरी कलर है। प्राइमरी का मतलब होता है कि जो सबसे पहले कलर है, यानी कि वो कलर किसी से भी मिलकर नहीं बनते, उसको बोलते हैं प्राइमरी कलर। अब आते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? जो दो प्राइमरी कलर को मिलकर बनते हैं, यानी कि कोई भी दो प्राइमरी कलर मिलाओगे कोई से भी दो कलर मिक्स करोगे कभी भी आता है आप घर पर भी कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में जो कलर होते हैं ना तीन कलर ले लेना, रेड ब्लू और येलो। आप दोनों में से थोड़ा थोड़ी कलर मिलाओगे ब्लू और येलो मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? रेड और येलो को मिलाएंगे तो ऑरेंज बनेगा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा वायलेट। ऑरेंज और ब्लू और येलो मिलाएंगे तो बनेगा ग्रीन। ये है हमारा सेकेंडरी कलर। अच्छा भाई बोलो जिस पर पी बना रहा है ये प्राइमरी है, जिस पर एस बन रहा ये सेकेंडरी है। ठीक है, इसके फोटो खींच लेना लेकिन अब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर मिला के बनता है कलर। बताओ या नहीं? वो बता दे अभी टाइम है, वो एडवांस है। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिला के बनता है टर्टियरी कलर। लेकिन प्राइमरी भी कौन सा कलर वीक में उसी के साथ वाला कलर अगर मिलाएंगे तो सेकेंडरी बनेगा। अगर इसके सामने वाला हमने सेकेंडरी कलर मिला लिया ना ग्रीन, क्योंकि ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? ये कट हो जाएगा। कलर वीक में आमने सामने वाले जो कलर होते हैं ना आपने सभी के पास सेट कार्ड होगा सर, हमने पूरी कलर थ्योरी उसमें होती है जो भी देखा होता है। आमने सामने वाले कलर जो होते हैं वो कट होते हैं सेकेंडरी। तो हमने एक रेड और एक ऑरेंज को मिलाया तो हमारा कलर बना रेड ऑरेंज। अभी रेड ऑरेंज क्यों बना है? रेड ऑरेंज है तो ऑरेंज रेड भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि प्राइमरी कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और इसकी ऑरेंज की कम होगी। क्यों? क्योंकि रेड 75% है और 25% येलो है तभी रेड ऑरेंज बना है, क्योंकि ऑरेंज में भी 50% रेड है और 50% येलो है तो 50-50 यहाँ पर रेड हो गया। और जब हम इसमें से रेड ऑरेंज मिलाए तो 50 ये हो गया और 25% ये हो गया तभी यहाँ पर 75% रेड हुआ और 25% सिर्फ येलो होगा तो ये होगा रेड ऑरेंज। वैसे हम आएंगे यहाँ पे जब येलो ऑरेंज को मिलाएंगे तो कलर बनेगा येलो ऑरेंज, क्योंकि येलो प्राइमरी कलर है, ये 75% है, सेकेंडरी कलर 25% है। वैसे हम यहाँ पे आएंगे तो ये येलो ग्रीन बनेगा। जब हम ब्लू ग्रीन को मिलाएंगे तो ये बनेगा ब्लू ग्रीन। जब हम ब्लू वॉयलेट को मिलाएंगे तो ये बनेगा ब्लू वॉयलेट। जब वॉयलेट रेड को मिलाएंगे तो ये बनेगा रेड वॉयलेट। अब जब सब इन कलर को सभी को मिलाएंगे ना, हम सबको मिलाएंगे या कुछ भी मिलाएंगे बाकी तीन ही कलर मिल रहे हैं क्योंकि तीन ही प्राइमरी कलर है, तो यहाँ बनेगा ब्राउन या ब्लैक जो हमारे बालों का नेचुरल कलर होता है। तो ये कलर रिफ्लेक्शन है जो आपके कलर रिफ्लेक्शन, ये कलर रिफ्लेक्शन है जो बेस कलर है वो आप लोगों को पता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सबको पता है। ये रिफ्लेक्शन है, इन्हीं कलर से मिलकर रिफ्लेक्शन बनता है जो हम कलर के साथ में पॉइंट के बाद आता है ना, जैसे 3.16 तो 16 जो है 1 होता है ब्लू एस, सबको पता होगा या नहीं पता तो मैं रिफ्लेक्शन भी बता देता हूँ। जैसे 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 तो ये लॉरियल स्ट्रिक्स मैट्रिक्स राधा और कुछ कंपनियां यूज करती है पॉइंट सोर्स को। हर कंपनी में अलग 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 बोला जाता है उसको, तो ज्यादातर जो सैलून है वो स्ट्रिक्स और लॉरियल यूज करते हैं। वैदा और जो सोर्स को है वो बहुत कम लोग यूज करते हैं दिल्ली में। लॉरियल की बताओ जैसे 0.1 है एस। अब एस कौन सा कलर है? एस हमने उठाया ये वाला कलर ब्लू कलर। ब्लू कलर एस कलर होता है रिफ्लेक्शन में। अब सेकेंड है हमारा वॉयलेट।
वॉयलेट को रेडिसेंट भी बोलते हैं, सेट गार्ड पर आपने देखा होगा रेडिसेंट भी लिखा होता है, ठीक है। वॉयलेट और रेडिसेंट एक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये वॉयलेट कलर कौन सा हमारा रेड को और ब्लू कलर को मिला के बनता है, ठीक है। तो रेड प्लस ब्लू। तीसरा है हमारा गोल्ड, गोल्ड कलर कौन सा होता है येलो, येलो का कलर गोल्ड ही होता है ना, तो ये येलो। चौथा है कॉपर, कॉपर कलर कैसा होता है ऑरेंज, तो ऑरेंज कहां से उठाया हमने, वहां से ऑरेंज उठाया। पांचवा है महोगनी, महोगनी कहां से उठाया हमने, वॉयलेट को और ऑरेंज को मिक्स करते हैं तो महोगनी कलर बनता है। तो इसमें लगभग तीनों कलर है लेकिन सबसे ज्यादा रेड है, क्योंकि वॉयलेट में भी रेड है ऑरेंज में भी रेड है, इसमें येलो जो है वो बहुत कम है इसीलिए ये महोगनी कलर आता है। ये कहां से उठाया हमने, वॉयलेट प्लस ऑरेंज से। छह नंबर है 0.6 होता है ना रेड, तो रेड है। सात नंबर है मैट, मैट कहां से उठाया, मैट इज ग्रीन, जैसे चटाई होती है ना ग्रीन, मैट बोले तो चटाई, ये याद रखने में भी इजी रहेगा। तो चटाई कैसी होती है, ज्यादातर मैट ग्रीन होती है ना, तो हमने उठाया ग्रीन से यहां से। एट है मौका, मौका लाइक ब्राउन कलर, ये जो ब्राउन कलर है अगर रिफ्लेक्शन में उठाएंगे तो ये मौका है। तो ये है हमारे रिफ्लेक्शन जो लॉरियल स्ट्रीट मैट्रिक्स यूज करती है राधा, और भी एक दो छोटी मोटी कंपनियां जो इसको यूज करती है। आपने देखा होगा जो कलर जो हमारे कलर कटर क्यूब होती है वो तीन ही होती है, वॉयलेट ग्रीन और कौन सी होती है ब्लू ग्रीन और वॉयलेट, क्योंकि जब हम कलर करते हैं तो तीन टोन आती है रेड ऑरेंज और येलो। बालों में ग्रीन टोन तो आती है जब हम डिजाइन कलर करते हैं, तीन टोन आती है, जो तीन टोन को कट करने के लिए ये कलर व्हील में पानी है, ये ठंडा पानी है, इन दोनों को मिलाए
के ना डेवलपर भी बता दे नीचे नीचे वाला बता दे। ये तो बताइए आपको कि डेवलपर तीन चार तरह के होते हैं सलाम उसमें। हाँ, 10 बोलियन, 20 बोलियन, 30 बोलियन और 40 बोलियन। चार डेवलपर होते हैं, 10 बोलियन जो होता है वो सबको नहीं पता, उनकी कुछ कंपनियां बनाती है लाइक बेला या कुछ कुछ बनाती है, बोलियन तो नहीं आता। 10 बोलियन वो सेंसिटाइज स्किन के लिए होता है, जिनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उनको ही होता है। उसको हम साइड रख के 10 बोलियन को 20, 30, 40 की बात करते हैं। तो 20 बोलियन जो डेवलपर होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेवलपर है, लाइक हर स्टाइलिश 20 बोलियन डेवलपर यूज करता है और हर तरह के कलर में उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो स्किन पे बोलियन स्कैल पे भी हम कर सकते हैं। ग्रे कवरेज देता है 100% और जी टोन टू टोन भी करता है और एक से दो लेवल लिफ्ट भी करता है, यानी कि आपके 5 नंबर के बाद है 6 नंबर का कलर करना तो डायरेक्ट 20 बोलियन आ जाएगा। हाँ जी, सुनो सुनो ये थोड़ा सा हटा के ना नीचे वाला, अरे नीचे वाले पे लिफ्टिंग बता रहे हैं तो 20 बोलियन 100% ये कवरेज देता है, टचअप में काम आता है, स्कैल्प पे लगा सकते हैं उसको। और जो 30 बोलियन है वो 2-3 लेवल लिफ्ट देता है, उसको स्कैल्प पे नहीं लगाते, ना वो 100% ग्रे कवरेज देता होगा ना देता है। आपने क्या होगा 30 बोलियन पर होगा तो वो ग्रे कवरेज नहीं देता, ट्रांसपेरेंट ग्रे हेयर का मतलब, ग्रे हेयर का मतलब होता है वाइट, वाइट को कवर नहीं करता, नहीं कुछ को पता है कुछ को नहीं पता होता। तो बाल हमें क्यों दिए हैं खुदा ने, भगवान ने हमें पालतू जानवर को भी दिए हैं, सबके बाल होते हैं, वो तो स्टाइलिंग बनाने के बाद बात करेंगे शाम। तो बालों का भी हमारी बॉडी में काम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टाइलिंग बनाने के लिए हमें बाल दिए गए, ये तो हमारे आर्टिस्टों की या आप लोगों की क्रिएटिविटी है कि हम बालों में स्टाइलिंग करते हैं। आज से 1500 साल पहले कोई स्टाइल थोड़ी करता था बालों में, ये तो हमारी कला है, हम आर्टिस्ट है ना, तो आर्टिस्टों की कला है बालों को स्टाइलिंग करना। तो बाल हमें स्टाइलिंग के लिए नहीं दिए थे, इसका अलग पर्पज, अलग पर्पज था जो हम बाल ये रेगुलेटर का काम करते हैं। रेगुलेटर का काम कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में जब ओवर हीट होती है, जब हमें गर्मी लगती है तो क्या होता है, पसीना आता है ना, जो करने हमने बताया था ना बालों के साथ में पसीना निकलता है, तो हर बाल के साथ ना एक छेद होता है, ओवर छेद जिसको रोम छेद बोलते हैं या बोल्ड बोलते हैं, जिसमें बोल्ड बोलते हैं हिंदी में उसको रोम छेद बोलते हैं। तो हर बाल के साथ एक छेद होता है, छेद होते हैं हर बाल के साथ, क्या होता है हमारी बॉडी में ओवर हीट आ रहा है तो पसीना निकलता है, तो वो इसी वजह से निकलता है बालों की वजह से। और जब ठंड लगती है तो वही छेद और एक्टर पीली मसल बोलती है वो टाइट कर देती है, स्किन को खेच देती है, तो वो जब भी हमारे रोम पे खड़े होते हैं ठंड में
तीन साल हो गए, 1500 साल पहले आपको धीरे धीरे कम होने लगे। जैसे ही हमारे कानून चेंज होते तो धीरे धीरे बाल कम होते जा रहे हैं। पहले लोगों के पूरे सिर्फ बाल होते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, ये दोनों एक दूसरे में
चिपक जाते हैं। रिएक्शन बोलते हैं कि भाई किसी चीज का रिएक्शन होता है जो चिपक गई है तो उसे क्या बोलते हैं, क्या नाम बताया? एक्टर पीलिंग मसल। हाँ, तो ये बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? रिएक्टर पीलिंग मसल। किस लिए खड़े होते हैं हमारे पास? रिएक्टर पीलिंग मसल के लिए खड़े होते हैं। तो मैडम ना कल इंग्लिश बोल रही थी ना, तो वो हिंदी में समझा नहीं पा रही। दस बारह बच्चे ट्रेन कर रहे हैं सब फर्स्ट क्लास। डबल सेवन 3-0 हमारा प्लान चल रहा है उससे कई बार बात हो गई, सारा पैसे कम नहीं करता हूँ मोल वाला, सभी जितने मांग कोई चीज साफ होगी तो ही स्वच्छ रहेगी ना, वही चीजें। अच्छा बात झड़ रहा हूँ तो क्लाइंट को क्या समझाना इसमें? देखिए आप जब सर्विस दोगे जब हम उनकी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने की वजह से 50% जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टॉप पार्ट है, सब लोग यहीं से गंदे होते ना। यहाँ किसी के बाल बोलते देखे आपने, 1000 में से एक क्लाइंट होता है जिसके होते हैं, उसमें भी कोई ना कोई बीमारी की या प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, बाकी सब यहीं से होते हैं। तो ये हमारी बॉडी का सबसे टॉप पार्ट है, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, मतलब बहुत कम हो गया है। अभी बोलते ना शीर्षासन करो, योगा करो, आपकी बात हो जाएगी, क्योंकि जब हम सर झुकाएंगे नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है सर्कुलेशन सिर भारी हो जाता है। हाँ, इस योग के लोग ना बहुत कम हेयरफॉल होता है, उनके बाल ना गंदे झड़ते, किसी एक आदमी झड़ते वो भी जेनेटिक होता है, तो उसके माँ बाप के में से किसी एक लोग के झड़े हैं तो फिर झड़ सकते हैं। तो ज्यादातर मैडम यही बोलते हैं कि लंबा सरसा हर बीमारी के लिए बीमारी के लिए तो हैंड मसाज करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन हैंड मसाज तो देते हैं ना इस बार, उससे क्या होगा ब्लड सर्कुलेशन होगा, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो 50% बीमारी हमारी वैसे ही करती हुई, जहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा था न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था इसको, बाद में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हेडफोन होगा, जब उसको न्यूट्रिशन मिलने लगा तो ये क्या करें धीरे धीरे वापस से ग्रो कर दिया। जब जब हेयरफॉल हो रहा था हमने हेड मसाज की तो ब्लड पहुँच रहा, बाद में ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, ब्लड सर्कुलेशन होने लगा तो न्यूट्रिशन मिलने लगा ना, तो उसकी डाइट मिल गई बात होती तो आपको दो दिन खाना के अंदर उनके बाहर पड़ जाओगे ना, तकिया जो लगाते हैं तकिया भी नहीं लगाना चाहिए सिर के नीचे, तकिया नहीं लगाना चाहिए सिर के नीचे, लगाओ तो एकदम बहुत भारी तकिया लगाओ, तो सिर तो हमारा फिर भी ऊपर ही है छोटा सा, हमारा फिर भी ऊपर ही है, भाई ब्लड कैसे जाएगा, तो ब्लड नहीं जाएगा तो बीमारी लगाने नहीं चाहिए। Thank you.
और जब इसको ना स्लो किया जा सकता बाइक वालों को या हेयर को स्लो किया जा सकता है, परमानेंट नहीं होता है। तो स्लो कैसे करेंगे, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, अच्छी नींद, अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज करना, यूज तो करने हैं बाल वाइट में कलर भी लगाना, और कलर से कभी बाल वाइट नहीं होते। ये नहीं आपने देखा होगा 100 में से 50 लाइन तो नहीं कराते कलर, वो ये बोलते मेरे बाल वाइट हो गए। लेकिन पता क्यों नहीं होते, क्यों होते बाल वाइट कलर कराते हैं? मालूम मेरे बाल आज 10 वाइट है, मैंने आज कलर कराया, मैंने कलर कराया, मुझे तो अच्छा लग रहा है, करा के तो रिफ्लेक्शन पूरी धूप में जा रहा है, बढ़िया लग रहा है, और वाइट भी ठीक है, ग्रे भी कर रही है, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने एक साल तक रेगुलर ये कलर यूज किया, ठीक है, अब किसी वजह से मैंने अगले महीने बाद में या अगले महीने कलर नहीं किया, अगले बाद में देखो महीने कलर नहीं किया तो जाने तो 4 बार वाइट सारे शो हो गए, मेरा दिमाग कहाँ जाएगा, कलर से हो रहा है, यही होता ना, मेरा दिमाग जाता है कि कलर से हो रहा है, लेकिन वो कलर से नहीं हो रहा है, कलर इसके अंदर चढ़ता अंदर नहीं जाता। आप देखोगे ना, आप जब भी कलर करते हो किसी की बियर्ड पे कलर करते हो, जैसे भैया की पूरी बाल पूरे बाल वाइट है, बियर्ड वाइट है, आपको कलर कर दो तो इसके बाल वाइट दिख जाएंगे, जब स्कैल्प के अंदर जा रहा है तो कलर दिख रहा है, स्कैल्प से रूट्स तक आने को बालों को 1 से 2 वीक लगते हैं, 1 से 2 वीक लगते हैं बिल्कुल रूट से बालों को ऊपर तक आने में, क्योंकि हमारे 1 महीने में आधे इंच के आसपास बाल रहते हैं, और 1 वीक में कितने बढ़े हैं लगभग 2.5 या 2 है, ट्रैफिक में बहुत बुरा होता है, 100 से 90, 80, 70 किया जा सकता, 400 नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझना ये वाली बात, ये एक प्रोसेसिंग है, इसको स्लो किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो कभी भी लाइट की मोमेंट है, क्योंकि जो सबसे सस्ता कलर है चीप कलर, अच्छा टाइम है ना, सबने खुशी होगी, जैसे लोग कहते हैं 5 से 7 साल पहले चलती थी, पर अच्छा टाइम कलर आएगा उससे बाल वाइट, इसी भी कलर से बाल वाइट होंगे, सिर्फ स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, एक लाइट को प्रॉब्लम हो सकती है, बालों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कलर प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मान लिया कि जो भी चीप कलर है, लेकिन हम लाइट को ये नहीं बोलेंगे कि चीप कलर यूज करो, हमें लाइट को अपग्रेड करना है, जैसे खुद को अपग्रेड करना है या अपग्रेड करके पाए तो वैसे भी लाइट को भी अपग्रेड करना है, यानी जो अलग अलग आते हैं उनको स्टिक्स पर लाना है, जो स्टिक्स लगा देते हैं उनको मैट्रिक्स पर लाना है, मैट्रिक्स लगा देते हैं उनको लोरियल पर लाना है, जो लोरियल लगाते हैं उनको सोर्स कोड पर लेके जाना है अपग्रेड करना, और जो एक बार अपग्रेड हो जाता है ना वो नीचे नहीं आता, जिसको मजा आने लगा ना बढ़िया कलर है वो 15 दिन 3 दिन कराएंगे बढ़िया ही लगाएगा, ठीक है। EU और PU melanin क्या दोनों का अलग अलग काम बता? EU melanin जो है वो एशियन एशियन इंडिया पाकिस्तान चाइना जिनके ब्लैक बाल होते हैं ब्लैक ब्राउन वो EU melanin होते हैं, एशियन melanin और PU melanin, तो melanin ना वो हमारी स्किन में भी होता है, स्किन में melanin आप देखो किसी के वो बन जाते हैं ना जिसको बोलते हैं ढाई ढाइया, तो वो जो melanin होते हैं ढाइया, तो जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो भी हमारी स्किन में होते हैं, तो वो जो सेल्स होते ना कलर पिगमेंट बनाने वाले तो वो या तो डीएक्टिवेट करता है या उनको एक्टिवेट कर देता है, तो जब ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो कलर पिगमेंट ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, लेकिन अब वो यहीं पे कुछ ज्यादा पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, पूरी बॉडी को भी नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली जो बातें हैं ऐसे तो ये जो स्किन डॉक्टर्स होते हैं डॉक्टर सबके लिए टैबलेट आती है ब्लैक टैबलेट लगाने वाली चीज 10% असर करती है, खाने वाली 80% असर करती है, लेकिन हम खाने वाली चीज नहीं सकते, सैलो के जो बोलते हम जो काम करते हैं उससे कभी गोरा नहीं होता, यानी कि फेशियल कलर ब्लीच कुछ भी करते हैं उससे गोरा तो कोई नहीं होता, सिर्फ क्या होता है जो हमारी नेचुरल स्किन होती है वही ठीक होती है, साफ होती है, अगर गोरा होते तो हम सब कहाँ बोलते सैलून बैठ के लिए जाके बोलते भाई वहाँ पर बता रहे लोग उनको गोरा करेंगे वो पैसा कमाएंगे और भी किस तरह से बेबी कर लिया
करना तेरे लिए चलाता रहता है। जो बेबी है उसका थोड़ा सा फ्लैट हुआ, जो कर्ली है उसका वो फ्लैट हुआ, एफ्रो कर्ली का बिल्कुल फ्लैट हुआ, बिल्कुल ये फॉलिकल से यानी बालों के फॉलिकल का सेम कैसा देना है, हेयर फॉलिकल है ना, ये हेयर बल या हेयर फॉलिकल राइट, इसको हेयर बल भी कहते हैं, बोलते हैं ठीक है। तो ये फॉलिकल का जो सेम करेगा बाल ग्रो करेगा तो वो इसके द्वारा करेगा, ये डिसाइड करेगा लैपटॉप वगैरह सब ठीक है, दोनों में से एक कर तो लिया, एक के स्टेट है मतलब कर लिया जो और जो ठीक है, आप खुद से वो नहीं कर सकते, ये फुल कर दिया मेरे बात कर रही है, ऐसा नहीं हो किसी का भी होगा, लेकिन वो होगा हेयर फुल कर दिया अंदर ही डिसाइड ऊपर डिसाइड होगा। कोई क्वेश्चन हो गया आज का, एक बच्चे पूछ लो आगे चलाते हैं ऐसी एक बात और सर, बाल टूटना झड़ना प्रॉब्लम नहीं होती है, कितना हो गया 36 तीन के तो नाम ये बताएगा।